भोपाल में एक युवक के गले में पट्टा बांधने के मामले को लेकर पूरी सरकार एक्शन में आ गई है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। आरोपियों के घरों पर प्रशासन का हथौड़ा चला और तीन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसरों की माने तो जिन आरोपियों के नाम इस घटना से जुड़े हैं, उनमें से तीन तो अपराधी किस्म के हैं। पुलिस अधिकारी इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। देखिए, एक महीने पहले की घटना है जिसका वीडियो कल रात से सोशल मीडिया में वायरल होने लगे और आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों को उसके संज्ञान में आ गया। माननीय गृह मंत्री जी ने भी उसको संज्ञान में लिया था। उसके बाद हमने FIR दर्ज किया है जिसमें अपहरण, आड़ीबाजी और धर्मांतरण, फोर्स्ड जो कन्वर्शन की बात आई थी, तो उसके आधार पर हमने FIR रजिस्टर किया है। ये छः आरोपी है जिनके फरियादी ने नाम लिया है, नामजद रिपोर्ट है, एक दूसरे को जानते हैं लोग। और जो छः में तीन आदतन अपराधी है जिनकी आपराधिक रिकॉर्ड है, जो लिस्टेड गुंडा भी है थाने का, तो इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो वीडियो में जो आदमी दिख रहा है, जो आरोपी दिख रहा है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। नरोत्तम मिश्रा की माने तो भोपाल में युवक से मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई भी की गई है और ऐसी घृणित मानसिकता वाले अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो पूरे प्रदेश के लिए नजीर बनेगी। सुबह आपको 24 घंटे का कहा था, 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। NSA की कार्रवाई कर दी गई, उनका अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, PI जो थाना प्रभारी है वो लाइन अटैच होगा और ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग, ऐसी घृणित सोच को ही हम कुचलने की कोशिश करेंगे। मूल है इस घृणित सोच को कुचलना और भोपाल में वो कार्रवाई हो जो नजीर बन के मध्य प्रदेश में जाए। दरअसल पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले विजय के साथ 6 लोगों ने मारपीट की थी, साथ ही उसके गले में कुत्ते का पट्टा डालकर उसे भौंकने के लिए कह रहे थे। पिटाई के डर से पीड़ित मियां भाई बनने के लिए तैयार हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ शिवराज सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। गली संकीर्ण होने की वजह से वहां बुलडोजर तो नहीं पहुंच सका, निगम के दस्ते ने अतिक्रमण को चिन्हित किया। इसके बाद हथौड़े से ही आरोपियों का घर तोड़ दिया। मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।